10 मिनट का प्लान है, बहुत इजी है, आप किसी को इजीली दे सकते हैं। एक बार आप समझ भी लेंगे ना तो आप दे सकते हैं, और इसको अगर नहीं ज्यादा समझ में नहीं आया आपको और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो 2-3 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लिए घर में, देन आफ्टर आप किसी को भी प्लान दे सकते हैं। तो सबसे पहला हम जब भी बिजनेस प्लान किसी को देते हैं तो बिजनेस प्लान नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वेस्टीज, ऊपर में कंपनी का नाम लिखते हैं। चलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे लिखेंगे जल्दी से स्टार्ट। स्टार्ट हुआ 2 जून 2004। और हमारे एमडी मिस्टर गौतम बाली। जिनके पास वेस्टी शुरू करने के पहले 15 से 20 साल का बड़ा अनुभव था बड़े कंपनी को चलाने का, नेशनल और इंटरनेशनल। इसके अलावा अभी चूंकि इनके पास 15 से 20 साल का अनुभव था और जब इन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया तो इनके पास जो एक्सपीरियंस था उसका बेनिफिट मिला वेस्टीज को, और 16 साल के अंदर ये कंपनी इंडिया में नंबर 1 हो गई। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो वर्ल्ड नंबर 36, 1 to 100 में अगर हम बात करें, 1 to 100 नो इंडियन कंपनी, कोई इंडिया की कंपनी नहीं है, ओनली वेस्टीज है। लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं फील्ड में कि सर मेरी कंपनी ऐसी है, वो है, वो है, 1 से 100 तक जब हम वर्ल्ड रैंकिंग की बात करते हैं तो 1 से 100 तक कोई इंडिया की कंपनी नहीं है, यानी 99 जो कंपनी है वो फॉरनर कंपनी है, विदेशों की कंपनी है। अगर हम बात करें 1 से 100 तक तो भारत की कोई कंपनी नहीं है, सिंगल एक कंपनी है जो 36 पोजिशन पे है, वो है वेस्टीज। जब भी बाहर में बात होती है लोग दूसरे टीम दूसरे कंपनियों की बात जब करते हैं तो हमने बोले भाई देखो आप अपना काम करो, हम लोग अपना काम करते हैं, हम लोग किसी कंपनी की ना आलोचना करते हैं और ना उसके बारे में बात करते हैं, हम लोग अपना काम करते हैं। विस्टिजियन एक ऐसा पर्सनालिटी होता है जो सिर्फ अपना काम पॉजिटिव तरीके से करता है, किसी दूसरे कंपनी की आलोचना नहीं करता। यहाँ लीडर बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के होते हैं, और अगर सुनना चाहते हो तो सुन लो कि तुम्हारे साथ तो हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं है, नो कंपटीशन विथ यू। क्यों? क्योंकि 1 से 100 तक जो भी कंपनियां हैं वो सब विदेशों की कंपनी है, फॉरेन कंपनियां हैं, उनके साथ मेरा कंपटीशन है, इंडिया इंडिया की कंपनी के साथ वेस्टीज का कोई कंपटीशन नहीं, जो भी कंपटीशन है वो फॉरेनर कंपनी के साथ है, विदेशी कंपनियों के साथ है, क्योंकि 1 to 100 में जो 99 जो कंपनी है वो विदेशी कंपनी। चलिए अगर हम बात करें इसका जो मिशन है वो अप टू 2025 वर्ल्ड रैंकिंग जो है 1 to 10 में आना है, 1 से 10 यानी 2025 तक 1 से 10 में जाना चाह रहे हैं, और लगभग जो है 25,000 करोड़ टर्नओवर की कंपनी बनने की दिशा में ये काम कर रही है। तो अभी अभी जो है 3,000 है, 3,000 करोड़ टर्नओवर कर रही है वेस्टीज, 2025 तक 25,000 करोड़ का है, 1 to 10 में जाने का इसका प्लान है। अब आप सोचिए 1 to 10 में जो भी कंपनियां हैं सबका जो है 10,000 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, तो 10,000 करोड़ से अगर हम ऊपर जाएंगे टर्नओवर में तभी इसके अंदर घुस सकते हैं। इसके अलावा अभी जो है एट प्रेजेंट हम
प्रेजेंस इन 8 अदर कंट्रीज, अभी इंडिया के अलावा हम 8 देशों में हैं, और मिशन है अप टू 2025 50 अदर कंट्री में जाने का। एक बड़े सोच के साथ एक कंपनी काम कर रही है, और चूंकि यहाँ पे हमारा जो इनकम बनता है, हमारी जो रॉयल्टी बनती है वो टर्न ओवर के हिसाब से बनती है, तो जब ये 8 देशों में है तब तो लाखों का इनकम मुझे मिल रहा है, और जब ये 50 अदर कंट्री में होगा, 50 दूसरे देशों में होगा और एक बड़ा रोटेशन होगा, तो निश्चित तौर पे हमारी इनकम जो है अभी अभी जो बिजनेस होता है उसके रेस्पेक्ट में मैं समझता हूँ कि 3 से 4 गुना होगा। और लेकिन जब 2025 तक हमारा ही बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा तो उसके हिसाब से और बड़ा इनकम आएगा। तो ये चीज हमें बताना है। अब देखिए, हमने कंपनी कब से स्टार्ट हुई और कहाँ की कंपनी है ये भी मालूम हो गया, एमडी कौन है, इंडिया का क्या पोजिशन है, दुनिया का क्या पोजिशन है, मिशन क्या है, अभी अभी रैंकिंग क्या है ना, मिशन अप 2025 क्या है और एट प्रेजेंट क्या स्थिति बन रही है, आगे 2025 तक क्या करना चाह रही है। तो ये बहुत बड़े विजन के साथ, क्योंकि विजनरी है कंपनी के पास, क्या है विजन है, बहुत क्लियर विजन है, इस पे काम कर रही है, वो 2025 में क्या करना है पहले ही निर्धारित कर रही है। तो निश्चित तौर पे जब वो बना के कोई कंपनी काम करती है, विजनरी के साथ काम करती है, तो निश्चित तौर पे वो कंपनी बहुत बड़ी होती है आने वाले टाइम। तो ये चीज हमें यहाँ पे लिखना है, और इसके नीचे फिर क्या लिखना है, इधर तो हमने लिख लिया, सबसे पहला जो फायदा जो यहाँ पे है हेल्थ, उसी के नीचे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहला चीज क्या मिलता है, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है वेलनेस इंडस्ट्री है, प्रेस्टीज वेलनेस इंडस्ट्री, हेल्थ पे काम करती है। आगे क्या है, हेल्थ, हेल्थ में 2 पार्ट, एक है क्योर का प्रोसेस और बी है प्रिवेंशन, बचाव। क्योर का मतलब होता है 100% क्योर, क्योर का मतलब होता है कॉज ऑफ डिजीज को सॉल्व करना। डिस्ट्रिक्ट के पास कोई मेडिसिन नहीं है, हमारे बॉडी में जो डिजीज होता है डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन के कारण जो डिजीज होती है उस डेफिशिएंसी को फुलफिल करके ये क्योर करता है। दूसरा, अगर बीमारी क्यों हो रही है, डेफिशिएंसी के कारण बीमारी क्यों हो रही है, कि हमारा भोजन सही नहीं है, बीमारी क्यों हो रही है कि हमारा भोजन से जो पोषक तत्व हमारे बॉडी में जा रहा है ना वो जितनी मात्रा में जरूरत है उतना पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो फलता क्या है, अगर हम पूरा करके रखेंगे विथ वेस्टीज तो क्या मिलेगा, प्रिवेंशन मिलेगा, बचाव मिलेगा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज से हम बचे रहेंगे। दूसरा, फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आजादी, बड़ा इनकम क्यों मिल रहा, क्योंकि वेलनेस इंडस्ट्री है ये पूरी दुनिया का, अगर हम बात करें नंबर 1 ट्रेंड की, नंबर 1 बिजनेस की ट्रेंड, तो वो है वेलनेस इंडस्ट्री। वेलनेस इंडस्ट्री अभी नंबर 1 ट्रेंड है, नंबर 1 बिजनेस है, और सर्वे बता रही है कि 2040 तक, अप टू 2040 तक इसका सर्वे हुआ है, ये नंबर 1 ही रहेगा। यानी अभी 2021 है, 2040 तक ये इंडस्ट्री नंबर 1 रहेगा। तो नंबर 1 ट्रेंड पे हिस्ट्रीज काम कर रही थी, इसीलिए इंडिया में ये 15-16 साल के अंदर क्या हो गई, नंबर 1 हो गई। जब नंबर 1 ट्रेंड पे हमारा बिजनेस है तो फाइनेंशियल फ्रीडम जरूर देगा, और लोगों को मिल भी रहा है, लोग ले भी रहे हैं, यहाँ करोड़ों रुपया महीने में कमाने वाले भी हैं, 50 लाख भी कमाने वाले हैं, 10 लाख भी कमाने वाले हैं, 35-40 लाख भी महीने में कमा रहे हैं बहुत कम समय। तीसरा है टाइम फ्रीडम, क्योंकि जब हम लोगों के साथ काम करते हैं तो हमें समय की आजादी भी मिलती है। और चौथा,
हमें रिकॉग्निशन मिलता है, मान सम्मान, क्योंकि जब आप लोगों के लिए काम करते हैं और लोगों का लाइफ जब चेंज होता है तो लोगों के द्वारा आपको सम्मान भी मिलती है। ये सम्मान आपको कंपनी भी देती है और आपका टीम भी देता है, यानी डबल रिकॉग्निशन मिलती है यहाँ पे। और ये चार जो चीजें हैं आज के डेट में अगर आप देखें, क्या आपके पास प्योर है, क्या आपके पास प्रिवेंशन है, खुद से सवाल करिए आप। अगर आप बोलेंगे कि सर मैं हेल्दी हूं, लेकिन अगर दूसरा सवाल करेंगे कि आपके 10 ईयर्स क्या हेल्दी रहोगे, आप बोलेंगे पता नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास प्रिवेंशन नहीं है, यानी नो कंप्लीट हेल्थ। दूसरा, क्या आपके पास फिनेंशियल फ्रीडम है, 5 लाख पर मंथ का इनकम क्या आपके पास है, पर मंथ को फिनेंशियल फ्रीडम माना जाता है मिनिमम, नो सर। क्या टाइम फ्रीडम है, नहीं सर। रिकॉग्निशन मिलती है क्या, नहीं। ये चार जो है नहीं है मेरे पास, फिर भी मैं जी रहा हूं, और वेस्टीज आपसे कुछ नहीं लेती और आपको हेल्थ के साथ साथ ये सारे चीजें प्रोवाइड करती है, लेना आपकी ड्यूटी बनती है। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ आपको दुकान बदलने से ये चारों बेनिफिट आपको मिल सकती है, तो क्यों नहीं बदला जाए, ये आपको तय करना है। एक साइड में हमने ये किया, इसके बाद दूसरा साइड में क्या लिखना है, दूसरा साइड में हमें लिखना है कि यहां पे क्या करना है, नो न्यू वर्क, कोई नया काम नहीं, हिस्ट्री में आके कोई नया काम नहीं करता है, ओनली चेंज योर शॉप। और ये काम हमेशा करते हैं, रोज दुकान बदलते हैं। तो भाई जहां पे हमारा लाइफ चेंज हो रहा है, जहां से हमारा ड्रीम पूरा हो रहा है, तो मैं दुकान क्यों नहीं बदलूं? अब बेनिफिट क्या है सर, इसको देखा जाए। बेनिफिट्स, पहला रिटेल डिस्काउंट, परसेंट से 20%, ये ऑन द स्पॉट है, ऑन द स्पॉट जिस समय आप खरीदेंगे उसी समय आपको मिलता है। एवरेज अगर हम बात करें, एवरेज तो 15% का आपको डिस्काउंट मिलता है। दूसरा परफॉर्मेंस बोनस, जो मैंने पहले बताया आपको, परफॉर्मेंस स्लैब भी आपको मैंने दिखाया था, और ये जो है 5% to 11%, ये एक्यूमुलेटिव है, एक्यूमुलेटिव मतलब जुड़कर आगे बढ़ना, एक्यूमुलेटिव। ये ऑन द स्पॉट जिस समय आप सामान खरीदेंगे उसी समय मिलेगा, ये जो भी पैसा बनेगा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा एवरी मंथ जो क्लोजिंग होता है, उसके बाद जो इनकम आपका बनता है वो आपके अकाउंट में डाल ले, ठीक है ना। इसके लिए क्या है, आपको अपना अकाउंट अपडेट करना चाहिए। तीसरा है मंथ ऑफर 10% से 12%, ये भी ऑन द स्पॉट है, कि जिस समय आप सामान खरीदेंगे उसी समय आपको तुरंत मिलता है ना। तो मंथ ऑफर का मतलब क्या रहता है, कि 500 रुपये का सामान खरीदिए, ये सामान खरीदिए, 700 रुपये का सामान खरीदिए, ये सामान खरीदिए, 1200 रुपये का सामान खरीदिए, ये सामान खरीदिए, यानी रिपर्चेज जो आपका कंटिन्यू करता है एवरी मंथ, ये चेंज होता रहता है, और एवरी मंथ आपका रहता है, चार तरह का रहता है, चार में सिलेक्ट करके ले सकते। देन आफ्टर चौथा कॉन्सिस्टेंसी, ये आपको 20% आपको देती है कंपनी, 20%। देखिए अगर आप अपने मर्जी से सामान खरीदते हैं विदाउट सिस्टम, तो ये तीन फायदा आपको लाइफ टाइम मिलेगी,
ये तीनों को अगर हम जोड़ लें तो 30% होता है विदाउट सिस्टम, हम अपने मर्जी से सामान कर रहे हैं। लेकिन कंपनी कहती है कि अगर आप सिस्टम से सामान खरीदोगे, यानी सिस्टम से सामान खरीदने के बाद कंपनी क्या कह रही है, कंपनी कह रही है कि आपके घर में जो भी बजट है उसका एक लिस्ट तैयार कर लो कि डेली यूज का क्या क्या लगता है, आपके घर में बच्चों को क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपकी माँ बहनों को क्या चाहिए, उनके हिसाब से आप पूरा लिस्ट बना लो। एक मुश्त अगर आप खरीद लेते हो तो मैं आपको अलग से 20% दूंगा। अब ये 20% क्या है, कंपनी का कहना है कि 100 PV का मतलब होता है ये 3,000 रुपये का सामान। अगर हेल्थ केयर का लेंगे, अगर पर्सनल केयर सब मिला के लेंगे तो 3200-3300 का आएगा। 100 PV का अगर आप लेते हैं, सामान लेते हैं मंथ में, तो ये 4 महीना 4 मंथ्स कंटिन्यू अगर आप लेते हैं, 4 मंथ्स कंटिन्यू है ना, तो फिफ्थ मंथ आपको 2,500 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, फ्री ऑफ योर चॉइस। आप चॉइस कर सकते हैं, एक लिस्ट है जिससे आप ले सकते हैं। तो 3,000 का अगर हम 4 महीना देखें तो 12,000 हो गया है ना, 12,000 का सामान हो गया। अब 12,000 का 20% कितना होगा, 2,400 रुपया। 12,000 का 20% 2,400 रुपया हुआ। आपको फायदा कंपनी कितना दे रही है, 2,500, इसलिए मैंने यहां लिखा 20%। 12,000 का 20% 2,400, इससे ज्यादा 2,500 का सामान मिला तो हमने कमी लिखा है। तो अगर ये टोटल सब करेंगे एज ए कंज्यूमर अगर हम देखें तो टोटल अगर हम करते हैं तो 30% तो यहां था और 20% ये भी ऐड कर लेते हैं, कितना हो गया 50% लेस ऑन एमआर। यानी हमारी जो खरीदारी हुई है, एज ए कंज्यूमर में बात कर रहा हूं, अभी बिजनेस की नहीं किया, ये चारों फायदा अगर कोई ले रहा है तो 50% लेस ऑन एमआरपी का बेनिफिट मिल रहा है। अब ये मत समझ लीजिए कि हम गए और एमआरपी से 50% लेस करके सामान लेंगे, नो, ये जो सिस्टम है इसी के हिसाब से मिलेगा सामान। ये तो आपको जस्ट मिल गया, एमआरपी से डिस्काउंट हो गया, ये भी जस्ट आपको मिल गया, ठीक है। ये आपको जब क्लोजिंग होगा जो भी अमाउंट बनेगा आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। और ये अगर आप 4 महीने तक लगातार लेते हैं तो 5वां महीना मिलेगा, यानी ये जो सिस्टम, जिस सिस्टम से जो जो चीजें मिलनी है तरीके से मिलेगा, और उसका जब आप टोटल करेंगे तो 50% लेस ऑन एमआरपी बनेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर 100 रुपये का एमआरपी का कोई सामान है, उसको कोई भी कंज्यूमर अगर ये इस सिस्टम से कंसिस्टेंसी से अगर वो खरीद के इस्तेमाल कर रहा है तो वो 50 रुपया में कंज्यूम कर सकता है। कहने का मतलब है कि ये अगर ये स्थिति बनती है तो चीपर दैन ट्रेडिशनल मार्केट हो जाता है, ट्रेडिशनल मार्केट से चीपर हो जाता है। बाजार से सस्ता हो जाता, इस रेट पे बाजार में नहीं मिलेगा। एक तो ये हुआ, इसके अलावा आप यहां लिख सकते हैं कि एडिशनल बेनिफिट भी है। बेनिफिट हम बात करते हैं, पहला वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट, अभी दूसरे देश के लोग हमारे उत्पादों को इस्तेमाल करते हैं। दुबई बहुत रिचेस्ट कंट्री है, वहां पे वर्ल्ड क्लास क्वालिटी से नीचे सामान लोग इस्तेमाल ही नहीं करते, पैसे के पास मांगी मांगी चीज इस्तेमाल करते हैं। और वहां पे हमारा 40% का बिजनेस दुबई में होता है, क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट है।
हलाल अप्रूव्ड प्रोडक्ट है हमारा। दूसरा, जो ट्रेडिशनल में आपको नहीं मिलता, विथ वाई बैक पॉलिसी भी है, मनी बैक गारंटी इसको कहा जाता है, वाई बैक पॉलिसी। वाई बैक पॉलिसी का मतलब यह है कि अगर कोई मेरा टूथपेस्ट लिया, टूथपेस्ट, और इसको यूज किया, यूज कैसे करेगा, उसको खोलेगा, पेस्ट निकालेगा, ब्रश पे यूज करेगा, यूज किया, यूज करने के बाद उसे पसंद नहीं आया, तो विद इन 30 डेज, 30 डेज ऑफ योर परचेजिंग, आपके खरीदारी के 30 दिन के अंदर आप इसको वापिस करके आप मनी बैक ले सकते हैं। ईच एंड एवरी प्रोडक्ट बाय बैक पॉलिसी के साथ है। ये इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट तो दे ही रही है, साथ में आपके पैसे की 100% गारंटी भी दे रही है। आप ऐसा मत सोचिए कि आप का पैसा, अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो खत्म हो जाएगा, पैसा डूब जाएगा, पैसा बर्बाद हो गया, ऐसा सोचने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सारे प्रोडक्ट विद बाय बैक पॉलिसी है। कंपनी की सोच यही है कि अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो फिर हमारा प्रोडक्ट बेकार है, इसलिए बाय बैक पॉलिसी के साथ देती है, 2004 से ही दे रही है। और यहाँ पे ये सोचना ही नहीं है कि हमने प्रोडक्ट लिया और अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये एक फॉर्म आती है, पैक करने का एक फॉर्म है, काउज उस पर देना पड़ेगा कि क्यों आप वापस कर रहे हैं। आप उस फॉर्म के साथ उस प्रोडक्ट का, जो आपके पास बचा हुआ प्रोडक्ट है, वो जमा करिए, आपका पैसा वापस हो जाएगा। चलिए, ये जो मैंने बताया एज पर कंज्यूमर, कोई भी व्यक्ति एज पर कंज्यूमर आया तो ये फायदा उसको मिलेगा, आगे का फायदा उसको मिलेगा। अब यहीं पे हमें रुकना है, सामने वाला जिसको भी प्लान आप दे रहे हैं, मैंने जो पहले दिया वो तो दिए ही साइड में, फिर बाएं तरफ इसको दिया, बाएं तरफ ही कॉपी में आ जाएगा, पूरा आ जाएगा। ये तो बोर्ड छोटा है इसलिए मुझे लिखने में दिक्कत हो रही है, एक जगह नीचे नहीं आ रहा है, और चूंकि बड़ा बड़ा लिखना पड़ रहा है, छोटा तो लिख नहीं रहा हूँ। तो एज ए कंज्यूमर ये बेनिफिट आपको मिलेगा, आगे का फायदा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे रुकना है, यही पे मुझे कर लेना है कि सामने वाला बंदा कंज्यूमर है या पार्टनर है। पार्टनर का मतलब बिजनेस पार्टनर। तो सामने वाला, यहाँ लिखने के बाद हम बोलेंगे कि भाई ये सारा जो बेनिफिट है उनको मिलेगा जो हमारा प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा, आगे का जो फायदा मिलेगा वो उनको मिलेगा जो इसके बिजनेस को करेगा। अब हम पूछेंगे, आर यू रेडी फॉर बिजनेस? अगर सामने वाला बोलता है यस, तब हम आगे बात करेंगे। अगर वो बोलता है नो, मैं सिर्फ सामान को इस्तेमाल करूंगा, नो, दो तरह का उत्तर आ सकता, आंसर आ सकता है। अगर नो बोला तो वो कंज्यूमर है, आगे का प्लान मैं नहीं दूंगा, क्योंकि वो बिजनेस नहीं करना चाहता, ओनली प्रोडक्ट कंज्यूम करना चाहता है। तो उसे मैं फॉर्म भरूंगा, उसको ज्वाइन कराऊंगा और उसका ऑर्डर फॉर्म भरूंगा कि भैया आपको क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए, आप अपना भर लीजिए, आप अपना प्रोडक्ट ले लीजिए, दैट्स ऑल। अगर वो बोलता है यस, तो ये आपका पार्टनर है, इससे आगे का प्लान फिर मैं बताऊंगा। यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे सर्च कर लेना है कि सामने वाला बंदा मेरा बिजनेस पार्टनर है, बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड, या सिर्फ प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा। अब क्या है इसके बाद, सकते हैं पांच में, इसको भी डालिए, फास्ट एट परसेंट बेनिफिट। ₹283 PV इन अ सिंगल मंथ, छह में
ब्रांच डायरेक्टर बोनस, ये ओनली फॉर ब्रांच डायरेक्टर। साथ में टीम बिल्डिंग बोनस, दो % कंपनी टर्नओवर का, ये दो लेवल के लिए है, ब्रांच डायरेक्टर एंड सिल्वर, ये दो लेवल के लिए ये रॉयलिटी है सिल्वर डायरेक्टर। आठ में बिजनेस बिल्डिंग बोनस,14% कंप्यूटर, ये जो है सिल्वर एंड एबव, सिल्वर डायरेक्टर एंड एबव, ऊपर में सबको मिलेगा। नौ में एलओबी, 16% कंपनी टर्नओवर का। दस में ये सिल्वर एंड एबव सबको मिलेगा। दस में ट्रैवल फंड, तीन % कंपनी टर्नओवर का, ये गोल्ड से शुरू होता है, गोल्ड डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर एंड एबव। ग्यारह में कार फंड, 12 में हाउस फंड, 13 हो गया, 7, 8, 9, 13 में इलीट क्लब बोनस, इलीट क्लब बोनस, फंड जो है स्टार एंड एबव, स्टार डायरेक्टर एंड एबव, आपको जानने की जरूरत है कि स्टार डायरेक्टर कैसे बनते हैं, आप अपने अपलाइन जिनसे आप जुड़े हैं उनसे बात कर सकते हैं। हाउस फंड, क्राउन डायरेक्टर एंड एबव, ये जो है यूसीडी, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर एंड एबव। कार्पोरेट कितना बनेगा, 5% कंपनी टर्नओवर का। हाउस फंड कितना बनेगा, 3% कंपनी टर्नओवर का। और इलीट क्लब बोनस कितना बनेगा, 2% कंपनी टर्नओवर का। टोटल अगर हम रॉयलिटी देखेंगे, देखिए दो तरह से आप समझिए इसको, इधर मिटाते हैं, ऊपर में एज फॉर कंज्यूमर जो बन रहा था हमारा, कितना बन रहा था, अगर हम कॉन्सिस्टेंसी ले रहे थे तो 50% बन रहा था, है ना,
यस सर, प्लस रॉयल्टी, अगर ये सारा रॉयल्टी लेता, जैसे मैं सारा रॉयल्टी ले रहा हूँ तो 49% मैं ये ले रहा हूँ। इसके अलावा हमारा 85% नहीं बन रहा है, क्योंकि ये 5% वाले के लिए अकाउंट है, मेरा लेवल है 11%, तो इसमें हम 6% और ऐड कर देते हैं, तो टोटल हो गया 56%, 56% और इसमें 49% जोड़ दिए, कितना हो गया, 105% लेस ऑन एमआरपी हम प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। यानी अगर हम 10 लाख का सामान लेंगे कंपनी से तो 10,500 मेरे अकाउंट में डालेगा और 10,000 का प्रोडक्ट हमको फ्री देगा, पूरा ना। अगर हम सारे चीजों को जोड़ लिए, जो भी बेनिफिट हमारा है, तो हमारे लिए 105% लेस ऑन एमआरपी प्रोडक्ट पड़ता है। तो इतना पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, हम लोगों ने इतना सारा मेहनत किया, उसका रिजल्ट ये है कि आज जो भी हम सामान खरीदते हैं हमारे लिए फ्री होता है, हम फ्री इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से आप प्लान शो करेंगे, क्योंकि बोर्ड छोटा था इसलिए, नहीं तो ये 10 मिनट ये प्लान हो जाता है।